गाइस आप देख रहे हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का जो कि आपका पार्ट वन का क्वेश्चन पेपर है 2018 का पार्ट वन का तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे बाकी सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके हमने अपलोड कर दिए हैं जिनकी प्ले लिस्ट बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है तो वहाँ से आप डायरेक्ट उस प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं आपको जो जो रिक्वायरमेंट है जो जो आपके सब्जेक्ट हैं साइंस के लिए आर्ट्स के लिए कॉमर्स के लिए सभी के लिए अवेलेबल वीडियोज़ देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें अगर कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई वीडियो ना मिले तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न संख्या एक है जिसका हिंदी वर्जन है यहाँ पर मैं अभी आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा दूंगा पहले हिंदी वर्जन के आप घ पार्ट तक देख लें इसके बाद में हम आगे आगे बढ़ेंगे जो है इंग्लिश पार्ट जो है इसका देखने के लिए तो ये है आपका ई पार्ट इसके बाद में इंग्लिश वर्जन जो है इसका ये है विधर्भा इज़ इन विच स्टेट वो कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है इसके बाद में बी पूछा गया है द फोरटीथ नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन तो वो कहाँ पर हुआ था सी है द कलर ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन इज डी है वेयर डिड इंडिया परफॉर्म्ड फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट और उसके बाद में ई e है आपका मीनिंग ऑफ को ऑपरेशन इज क्या है आपको बताना है और जो है नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा ये है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन तो इसमें आपको रिश्तानों की पूर्ति करनी है तो डैस प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली किसने पेश किया था ये आपको बताना है इसके बाद में डैस स्टेट इज़ अफ़ेक्टेड बाई नक्सलिज्म वो कौन सा स्टेट है जो नक्सलवाद से प्रभावित है तो झारखंड भी है आपका और छत्तीसगढ़ भी है और भी आपके बंगाल साइड भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ को ही माना जाता है जिसमें झारखंड का नाम सबसे पहले आता है दूसरा है आपका नेक्स्ट है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन ईयर कौन से साल में हुआ था ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर कौन से साइन कौन से ईयर में साइन किया गया था और पांचवा है द नंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस वाज तो वो आपको बताना है नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन जिसमें सत्य असत्य दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स तो पहला देखते हैं इंडिया विकेम मेंबर ऑफ़ द यूनाइटेड नेशंस ऑन थर्टीस्थ अक्टूबर नाइनटीन फोटी फाइव हाँ या ना में आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है इसके आगे सेकंड है खालिस्तान मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनल रीजनलिज्म और उसके बाद में तीसरा है वार पैक्ट वाज कैंसल्ड इन द ईयर 1991 वन और नेक्स्ट है आपका द सेलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज डन बाई द मेम्बर कंट्रीज और फिफ्थ है आपका मेजोरिटी ऑफ श्रीलंक आर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म मतलब श्रीलंकाई जो अधिकांश लोग बुद्धिज़्म हैं या नहीं है ये आपको बताना है चौथा जो क्वेश्चन है इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है तो वेन वॉज द तक्ष पैक्ट साइंड तक्षत जो है वो कब साइन हुआ सेकेंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को और थर्ड है आपका गिव वन डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन फोर्थ है आपका वाट इज कल्चरल लिबरलाइजेशन उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है वैन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश तो ये डब्ल्यू एच ओ का जो है गठबंधन कब हुआ या संगठन कब हुआ गठबंधन नहीं तो कब हुआ ये आपको बताना है इसके बाद में सही जोड़ियों को मिलाना है तो यहाँ पर ए और बी कॉलम को मैच कर देना है पाँचवें क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए सामने हैं सही ऑप्शन से मैच करना है इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसमें आ जाते हैं तो मैंसन एनी टू रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन इन इंडिया और ऑप्शन में आ जाइए राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम सातवा है राइट एनी टू कंडीशन ऑफ नेहरू लियाकत पैक्ट और ऑप्शन में है वाट आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंसन उसके बाद में आठवा है व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑप्शन में है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान नौवा क्वेश्चन है राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मोनिट्री फंड और उसके बाद में और ऑप्शन आया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिसिंग सार्क सार्क बनाने का मतलब क्या उद्देश्य था दसवा क्वेश्चन जो है स्टेट एनी टू रीजंस फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका और ऑप्शन में व्हाट वर मेन प्रोविजन ऑफ शिमला पैक्ट और ग्यारहवा है राइट एनी थ्री नीड्स ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस और ऑप्शन में है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बारवा क्वेश्चन है राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑप्शन में है राइट एनी थ्री सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेरवा क्वेश्चन जो बात करें तो इसमें है राइट थ्री ऑब्स्टल्स इनारमेंट डिसारमेंट और इसके बाद में और ऑप्शन में है एक्सप्लेन एनी थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद में यानी कि यू एन ओ का और चौदवा क्वेश्चन जो है राइट थ्री फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्थ डब्ल्यू एच ओ के तीन फंक्शंस लिखने हैं और ऑप्शन में है डिस्क्राइब मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड युना, नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मेन ऑर्गन से वो आपको बताने हैं प्रमुख अंगों का बताना है यू एन ओ के पंद्रह क्वेश्चन है राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेज और ऑप्शन में है एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सोलवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर्स प्रपोज इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव इकोनॉमिक इन इक्वेलिटी और ऑप्शन में हाउ डज इलिटरेसी कंस्ट्रेंस द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल सत्रवा क्वेश्चन है राइट एनी फोर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट और ऑप्शन में आया हुआ है राइट एनी फोर फंक्शन ऑफ नेशनल वूमेन कमीशन जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे राइट एनी फोर रीजन एज टू वाई इंडिया द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट और ऑप्शन है एक्सप्लेन इन डिटेल द रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर नाइनटीन क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एशियन और ऑप्शन में आया है वॉट आर द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक बीसवा क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियंस व्यू पॉइंट टूअर्ड्स तमिल प्रॉब्लम इन श्रीलंका और ऑप्शन में है गिव फोर रीजन्स ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इक्कीसवा क्वेश्चन है राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसका और ऑप्शन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बाईसवा है राइट एन एस से ऑन कश्मीर प्रॉब्लम्स और ऑप्शन में एक्सप्लेन द नीड ऑफ़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इसके बाद में तेईसवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है डिस्कस द एम्स ऑफ प्लानिंग बाई क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग की मीनिंग बताने के बाद में आपको बताना है और ऑप्शन में है राइट अबाउट द स्कीम्स बींग इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स चौबीसवा है एक्सप्लेन दॉजेस ऑफ राइज ऑफ़ रीजनलिज्म इन इंडिया और ऑप्शन में है राइट एनी फाइव सजेशंस टू क्रब लिंग और पच्चीसवा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया और ऑप्शन में आया व्हाट आर द दॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन छब्बीसवा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करिए और ऑप्शन में आया हुआ है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं पार्ट वन 2018 का क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे पेपर्स आपके डाल दिए गए हैं जिसका प्लेलिस्ट बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया वहाँ से आप इसको देख सकते हैं अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें